हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज है संडे, मैं लक्की। सो आज का दिन स्टार्ट होता है भगवान जी के दर्शन करने थे, उसके बाद फिर हम घर पे चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद फिर अपना काम करते हैं, जैसे झाड़ू मारना और पोछा लगाना। देन फिर थोड़ा सा फ़ोन चलाने के बाद हम लोग डी मार्ट की साइड निकल जाते हैं, क्योंकि आज ग्रोसरी का सारा सामान ही ख़त्म हो रहा था। तो फिर हम ग्रोसरी का सामान लेने के लिए निकल जाते हैं। तो हमारे घर से 2 से 3 किलोमीटर ही पड़ता है हैदराबाद में डी मार्ट, तो हम फिर डी मार्ट की साइड चले जाते हैं। तो आप देख सकते हो दिन में 11 बजे ही कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो फिर गर्मी में ही हम निकल जाते हैं, क्योंकि शाम को और भी काम करना होता है, जैसे कि कपड़े धुलना। तो फिर हम निकल निकल गए और कुछ टाइम में ही हम डी मार्ट पहुँच जाते हैं। तो आप देख सकते हो व्यू, यहाँ का व्यू कितना प्यारा है। और अभी हम फ्लाईओवर के ऊपर हैं। और गाइस, गर्मी में बाहर निकलना मतलब अलग ही लेवल रहता है। लाइक इतनी गर्मी, ऊपर से 40 40 डिग्री सेल्सियस तापमान। सो आप सोच सकते हो कि गर्मी में निकलना मतलब बड़ा डिफिकल्ट रहता है। तो इतने में फिर डी मार्ट आ जाता है, और ये देखिए भैया कितना सारा सामान लेके जा रहे हैं ट्रॉली के ऊपर। एंड ये बराबर में एक एमएनसी कंपनी पड़ती है, नाम नहीं पता मुझे, बट ये एमएनसी कंपनी के बराबर में ही पड़ता है डी मार्ट। सो फाइनली हम डी मार्ट पहुँच जाते हैं, और ये कुछ इसका फ्रंट का व्यू रहता है डी मार्ट का, डी मार्ट लिखा है। हम पार्किंग में जाते हैं, और पार्किंग आप देख सकते हो 2 व्हीलर की अलग और 4 व्हीलर की अलग है। फिर यहाँ से हम एंट्री करते हैं डी मार्ट में। तो स्टार्टिंग में कुछ ये बिस्कुट्स और देखने को मिलते हैं, देन फिर हम कुछ सामान खरीद लेते हैं, जैसे चावल, चने एंड रिफाइंड, और भी बहुत सारा सामान लेते हैं, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। फिर हम जाते हैं ग्रोसरी का सामान लेने, जैसे कि दाल हो गई, यहाँ पर खुली हुई दाल, चावल सब कुछ मिल जाता है, और रेट भी इनका सही रहता है, ज़्यादा हाई नहीं रहता। तो डी मार्ट से लेने का ये फ़ायदा है कि सारा सामान एक ही जगह मिल जाता है। ये कुछ मसाले हैं, तो यहाँ से हमने हल्दी पाउडर लिया, हल्दी पाउडर ही ख़त्म हो रहा था। और फिर इसके बाद हम दही के सेक्शन में गए। तो आज फिर हमें दही भी लेनी थी, तो फिर हमने दही देखी कि कौन सी दही अच्छी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर दही प्लस मट्ठा और बड़े बड़े दही के पैकेट, हाफ के जी, 1 के जी, 2 के जी पनीर। एंड जब हम दूसरी साइड गए, तो यहाँ पर हाफ के जी एंड 1 के जी दूध, बटर, बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी। तो हमने ये सब चीज़ें ली। एंड देन फिर हम थोड़ा सा आगे गए तो फिर हमें ये दूध का पैकेट देखा, फिर हमने दूध लिया। देन फिर हमें एक सॉस लेना था, तो फिर हमने सॉस देखा, तो हमें किसान केचप भी पसंद आया, तो फिर हमने किसान केचप लिया। देन हमने फिर हमें थोड़ी सी चॉकलेट्स लेनी थी, तो फिर हमने चॉकलेट्स देखी। और कमेंट करके बताइए आपकी फेवरेट चॉकलेट्स कौन सी है, और आप कौन सी चॉकलेट खाते हो ज़्यादा। फिर ये बिस्किट थे, तो बिस्किट लेना था हमें, बट बिस्किट समझ नहीं आए तो बिस्किट नहीं लिए। देन फिर हमने एक फूल का पेड़ देखा। ये आप कमेंट करके बताओ कि ये रियल है या फिर फेक है, देखने में तो बिल्कुल रियल ही लग रहा है। तो आप कमेंट करके बताओ। ये 299 रुपीज़ का था, और देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है, आप देख सकते हो। फिर हमने चप्पल देखी, मेंस सैंडल, तो ये कुछ 1,000 रुपये के थे, तो ये हमने नहीं लिए। देन फिर हम आगे गए, तो ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक का सामान लेना था, एक्सटेंशन वगैरह, तो वो यहाँ पर अच्छा नहीं मिला, तो फिर हमने नहीं लिया। एक्सटेंशन के बाद फिर हमने ये देखो कितना सारा सामान लिया, तो ये बहुत सारा सामान हमने लिया। फिर जैसे शर्ट, कपड़े, ये भी मिल जाता है यहाँ पर, तो ये हमने लिया। देन फिर हम वापस निकल गए, तो फिर हमने रास्ते में ग्रीन बाबरची के यहाँ से बिरयानी खाई, क्योंकि लेट हो गए थे, 3 साढ़े 3 बज गए थे, तो लंच करना ही था, तो फिर हमने लंच किया। फिर देन हम ये कुछ ग्रीन बाबरची है, तो लंच किया, फिर देन हम निकल गए अपने फ्लैट की साइड। सो आज का ब्लॉग गाइस यहीं पर एंड करते हैं, और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है। एंड अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड प्लीज़ सपोर्ट्स माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।